ये इंस्टेंट हाइट इंक्रीजिंग इंसोल जो है वो काफ़ी फेमस थे और काफ़ी वायरल थे। मुझे भी काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि आप इसका रिव्यू करें, तो मैंने ये चाइना से मंगवाए। एग्जैक्ट सेम यही मेरे आए थे जिसको पहन के आपका कद जो है वो इंस्टेंट लंबा हो जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ना एक जो है वो टेस्ट किया था कि वकास को बताया नहीं था कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फिर मैंने उनको पूछा कि मेरा कद लंबा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप देखें देखें जितनी है उतनी लगाओ। हो गया इसका निचला सिरा, निचला सिरा। ये देखो मेरी हाइट ना इतनी है, मैं इसको कमरे से बाहर लगाती हूँ। तुमने टेप नीचे कर दिया इतना सा फर्क पड़ गया कि तो टेप, या तुम टेप नीचे कर दिया या कुछ पहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं नताशा अवकाश। आज की वीडियो है जी हमारे इस हाइट इंक्रीज इंसोल के ऊपर। इसके बारे में मुझे काफी सारे लोगों ने बोला था कि आप इसका रिव्यू करें, रिव्यू करें कि क्या वाकई में इससे हाइट बढ़ती है। तो वकास को नहीं पता कि मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाई है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ वकास साथ खड़ी होंगी ऐसे कि हम अपनी हाइट नापेंगे, क्योंकि मैंने जो जूते पहने हुए बिल्कुल फ्लैट पहने हुए। मैं आपको ना नीचे कैमरा करके दिखाती हूँ कि मैंने फ्लैट जूते पहने हुए। तो मैं वकास को बुलाऊंगी, पहले मैं उनके साथ खड़े होकर हाइट नापूंगी अपनी, और उसके बाद ना ये वाले पहन लूंगी मैं फ्लैट जूतों के अंदर, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे इंसोल पहना हुआ है। और उसके बाद हाइट नापेंगे, फिर वो भी हैरान जाएंगे, उनका रिएक्शन भी चेक करते हैं क्या है दूसरी चीज। ये देखेंगे कि चलने में कंफर्टेबल है या नहीं। ये मेरा आया था 2500 रुपए का। इससे पहले मैंने एक मंगवाया था, वो मेरा 1500 रुपए का आया था। उसके अंदर इनसोल था ही नहीं, वो सिर्फ सिलिकॉन का एक सोक्स टाइप बना हुआ था। आपको दिखाती हूँ, ये इसकी पैकिंग है। इसको आप मोजो के अंदर भी पहन सकते हो ताकि किसी को पता ना चले कि आपने क्या पहना हुआ है। इसमें लिखा हुआ हिडन इंक्रीज ऑफ हाइट। इसमें दो कलर है, एक व्हाइट और एक स्किन कलर। ठीक है, इसका डब्बा है जिसमें मैंने खोला हुआ था ऑलरेडी, तो इसका हाल बेहाल हुआ हुआ है। अंदर से इस तरीके की है। ठीक है, मैं इसके निशानी मिटा दूंगी, यहाँ से डब्बा वब्बा शॉपर वापर ये देखेंगे इस तरीके की। और यहाँ से पहनेंगे इसको, यहाँ पे नीचे जो है ना 2 से 3 इंच की ये हमारी इंसोल हाइट है। पता नहीं चलता कि आपने कुछ पहना हुआ नीचे। आप इसको अपने जॉगर्स वगैरह के अंदर काफ़ी चीज़ों में पहन सकते हैं। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी यूट्यूब पे थे, बहुत वायरल थी। ये क्या हुआ मेरे मुँह में। ओके, बहुत वायरल थी। तो चलें अब इसको मैं पहनूंगी। पहले मेरा आया था ना, उसके अंदर ये चीज थी ही नहीं, वो बिल्कुल सिलिकॉन टाइप जो बस सॉक्स होते हैं वो वैसा बना हुआ था। चलें मैं वकास को बुलाती हूँ। ओके भाई, तो मैं वकास को बुला कि ना धो क्या है अभी ना। वीडियो ये है कि मैंने ना एक ना वो है रेमेडी है, उससे करने से हाइट कम भी होती है, वो काफी वायरल है। तो अभी मैंने ना आपको दिखा रहा फ्लैट चप्पलें पहनी हुई है मैंने। सही हो, खड़े हो, मैं आपको अपने पैर दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल फ्लैट चप्पलें पहनी हुई है। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा वकास ने बिल्कुल फ्लैट चप्पलें पहनी हुई है। तो अभी फ्रंट कैमरा ऑन करके मोबाइल लगाने लगी हूँ ट्राईपॉड पे। तो मैं यहाँ आती हूँ, मोबाइल ले लिया। तो मैं यहाँ खड़ी होती हूँ वकास के साथ और हम निशाने लगाएंगे। मैं वकास से कहा बहुत छोटी हूँ वकास यार आपसे। ये मेरी हाइट कहाँ जहाँ तक मेरी हाइट है ना वहां तक लगा रहे कि मैं आपके यहाँ पे आती हूँ। अभी इतना ऊपर मत लगा देना कि पता ना चले रेमेडी वर्क भी कर रही है कि नहीं। जितनी है उतनी लगाओ। हो गया इसका निचला सिरा, निचला सिरा। ये देखो मेरी हाइट ना इतनी, अब मैं इसको कमरे से बाहर लगाती हूँ और उसके बाद वो वाली चीज खा के ना फिर उसके बाद नापते हैं कि हाइट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ठीक है, मुझे भगाने के लिए तुमने ये सारा किया। आपको फिर बुलाऊंगी ना, फिर देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो भाई तो वकास चले गए हैं बाहर और मैं जो है ना इन्हीं जूतों के अंदर इसको पहनने लगी हूँ। तरीका ही भूल गया मुझे पहनने का। अच्छा हाँ, ऐसे ना एड़ियों वाली साइड पे आएगा ये, क्यों बोलो पहनते हैं ये, उनको पता ना चल जाए। बोला मुझे बोल रहे बार बार करना क्या है, तुमने करना क्या। मैंने कहा आपको बता दूंगी तो फिर वो सस्पेंस क्या रहेगा और आपका नेचुरल रिएक्शन कैसे आएगा मुझे ये बताओ। ये देखें जी, ओके ये भाई काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है वैसे तो, पता नहीं आपको नजर आ रहा है। ये देखें जूता भी अंदर नहीं जा रहा इसके हिसाब से मेरा। चलो दूसरा पहन के देख लेते हैं। दूसरा पहन लिया मैं, ये देखिए यहाँ पे आपको सही नजर आएगा। मैंने दोनों पहन ली है, शूज भी मैं सही से अंदर कर लूँ ताकि वक्त आपको शक ना हो जाए कि मैंने कुछ पहना है नीचे। ये परफेक्ट हो गया, ये देखें पहन ली है। ये देखिए मैंने दोनों पहन ली है ऐसे, और मैं वकास को बुलाती हूँ कि आए जी। ठीक है, लिपस्टिक लग गई है, पैरों में कुछ भी नहीं आ जाए। वो टेप किधर गई है? लगी है दूर करना पड़ेगा स्कोर।
मैं इसको ऊपर कर लूं। कैमरा हिल गया यार। अब आ रहा है मजा? इसमें पहले खान ये देखो, तुमने टेप नीचे कर दिया। नहीं यार मैं चीटर हूँ क्या? मैं क्या किया रे? हुआ क्या तुम्हारा? इतना सा फर्क पड़ गया कि तो टेप या तुम टेप नीचे कर दिया या कुछ पहना है? कुछ भी नहीं पहना, वही फ्लैट चप्पलें जो पहनी। ये देखो पहना है ना? नहीं पहना, टेप नीचे कर दी। कितना लंबा हुआ है का दिखाना? इतना, तीन उंगली जितना? नहीं नहीं, तीन उंगली जितना नहीं, सिर्फ इतना सा, इतना ये। अच्छा इतना सा? डेढ़ इंच, एक इंच, एक इंच। क्या फायदा क्या हुआ इसको पहनने का? बस नाम का ही कादू। ये देखो ये ना, ये है इनसोल है ये, इसका पता नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना हुआ है और आपकी हाइट में इससे वो डिफरेंस आ जाता है। यार क्या मजा है। वैसे एक बार बताऊं, आपको अच्छा नहीं लगा ये? ये क्या अच्छा है इसमें, इससे इतनी सी हाइट तो कोई फायदा? इतनी इतनी हाइट चाहिए था आपको, इतनी लंबी? हाँ यो, बराबर तो होती कम उसका। तो फिर शादी से पहले देखना चाहिए था आपको। अब क्या हो सकता, आप गुजारा करें जो है। एक तो लेस हटी जा रही है मैग्नेटिक। चले खैर यार, ये था इनसोल का मतलब। ये एक तो इसमें चलना इतना अनकंफर्टेबल है ना, मतलब जिस जिसने खरीदे है ना। अच्छा नहीं, तुमने जो पैन तो लिया है, फिर भी कद छोटा है, करें क्या, यूं ही रहे। मैं बचपन में केले नहीं खाती थी तो इसी में ले मेरे पास नहीं पड़ा। मेरे सब बहन भाई लंबे, मैं ही छोटी हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ। जाओ। ओके भाई, तो ये था मेरा इनसोल का रिव्यू। आपको नजर तो आ गया होगा, इससे इतना सा कद बढ़ता है, इतना सा। और इसका इवन जिन्होंने रिव्यू भी किया है ना, जब मैंने उनसे भी इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला था ये बहुत ही फजूल प्रोडक्ट है, एड़ियां दर्द करने लग जाती हैं इससे। आप मैं अब चल रही हूँ ना, अभी खींचते मेरे पे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। मैं आपको नीचे कैमरा लगा के दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप इसको सॉक्स के अंदर पहनोगे ना, फिर तो पता नहीं चलेगा कि आपने कोई चीज पहनी हुई है। और इतना ज्यादा कद इससे लंबा नहीं होता कि आप बोलोगे बहुत ही कोई कद लंबा हो जाता है। ये देखें बस इतना सा ठीक नहीं है, मैंने हिल ही गया। मतलब ये बार बार एक तो हिल जाता है, बार बार इसको सेट करना पड़ता है पैरों में, चलते हुए भी आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। शायद दो तीन दफ़ा पहनने के बाद आप ठीक हो जाओ, लेकिन मजे का नहीं है यार। इससे बेहतर तो ये है बंदा हील वाले जूते पहन ले, सीरियसली। मतलब इतना मजा नहीं कर रही है इनसोल, इससे बेहतर आप हील वाले जूते पहन लो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हाइट है, जैसी हाइट है, परफेक्ट है। अल्लाह ने सबको परफेक्ट बनाया है, तो जो चीज़ जैसे दिए ना तला ना, उस पर शुक्र अदा किया करें लगा लाख लाख के यार, परफेक्ट है। इन सब चक्कर में मत पड़े, फजूल चीज़ें, मेरे तो पैसे वेस्ट हुए हैं। चले आप लोगों के ना वेस्ट हुए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लोग व्यूज़ के लिए ना कुछ भी बोल देते हैं वीडियोज़ के अंदर, बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है। लेकिन आपका फिर भी अगर मेरे पर ट्रस्ट नहीं है ना, मंगवा के यूज़ करो, आप खुद बोलोगे कि आप ये बेकार प्रोडक्ट है। तो खैर ये मेरी आज की वीडियो थी इस इनसोल हाइट के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अब आप लोग इसको बाय नहीं करोगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना यार, और शेयर जरूर करना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।